हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य और इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसके अलावा बहुत लेंदी टॉपिक भी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, बहुत सारा चीज़ इसमें पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इसका पहला जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम चैप्टर जो हमारा है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम देखते हैं सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ना है हमें। तो टॉपिक जो हम लोगों को कवर करना है ये हम लोगों को यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, फिर हम कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस, मतलब जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों आ जाएंगे। फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मैं मोटे मोटे तौर पे लिख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग को कवर करना है। ठीक है, तो लगभग लगभग बहुत लेंदी टॉपिक होने वाला है ये भी, लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज़, What is the meaning of reproduction? What is the meaning of reproduction? तो आप सब लोगों को पता है कि reproduction का मतलब क्या होता है, production of offspring, ठीक है, या हम कह दें किसी भी organism के द्वारा अपनी जैसी ही संतान को उत्पन्न करना reproduction कहलाता है। ठीक है, अब reproduction जरूरी नहीं है कि हर एक organism में हो, तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। पहली बात, आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। हम लोग इसे कभी ना कभी पढ़ेंगे ज़रूर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बताऊं आपको। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे के सारे लिविंग्स में हो, किसी नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारे लिविंग में ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, और तो इस तरीके से अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, लेकिन सारे लिविंग्स में भी रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो आपको पहले ये बात समझनी होगी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सारे लिविंग्स में होनी चाहिए। इस बेसिस पे अगर हम देखें तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, ग्रोथ अगर कोई कहा जाए तो ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी है, ये भी एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ लिविंग्स में तो होता है, लेकिन नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ होता है। ठीक है ना, नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ होता है, फ़र्क मैं आपको आगे समझाऊंगी, क्योंकि लिविंग्स में ग्रोथ इंट्रेंसिक होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, नॉन लिविंग्स में ग्रोथ एक्सट्रेंसिक होता है। इसीलिए तो पहाड़ बढ़ते हैं, है ना, रेत के टीले बड़े हो जाते हैं, बात समझ में आ रही है। तो नॉन लिविंग में एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, बाहर से एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, लेकिन लिविंग में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो से कि क्या है, जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो नहीं होता। अब रिप्रोडक्शन का मतलब
केवल मेटिंग नहीं है, मेटिंग के बाद भी अगर आप कोई भी कपल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो रिप्रोडक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन का मतलब बस और बस क्या होता है, अपनी ही तरीके के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। तो बहुत सारे ऐसे कपल हैं जिनको जो ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पाते या जिनके बच्चे नहीं होते तो हम कहेंगे कि वो नॉन रिप्रोडक्टिव पर्सन है। या फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे आपने हनी बी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हनी बी है, हनी बी में जो मेल हनी बी है या ड्रोन है, तो मेल हनी बी या ड्रोन जो है वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता क्योंकि वो स्टेराइल होता है। तो ड्रोन स्टेराइल होता है, सॉरी मैं क्या बता रही हूँ, मेल हनी भी नहीं यार, स्टेराइल वर्कर भी, ठीक है ना, वर्कर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते क्योंकि वो स्टेराइल होती हैं, फीमेल होती हैं वो, ठीक है, स्टेराइल होती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, जैसे म्यूल हो गया, ठीक है, म्यूल जिसको खच्चर कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यू कैन से रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स को आप और क्या कह सकते हैं, प्रोजेनीज, प्रोजेनीज बाय ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ, सिमिलर टू देमसेल्फ मतलब अपनी ही जैसी अब संतान को प्रोड्यूस करना क्या कहता है, रिप्रोडक्शन। इट इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये एक कैसी प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसी प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहली चीज़ इसकी जो ओरिजिन हुआ है, इसकी जो ओरिजिन है वो कैसी होती है, मीजोडर्मल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है क्योंकि मैंने आपको टेस्टिस और ओवरी के बारे में बताया भी था कि टेस्टिस और ओवरी मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन जो होते हैं ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। भाई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये है दैट इज यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब इसको हम और क्या कह सकते हैं, सेक्सेस सेपरेटेड, ठीक है ना, सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को हम लोग डायोसियस भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। और ये क्या है, सेक्सेस क्या है, सेपरेट होते हैं। तो ह्यूमन कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर हाँ पहले हम देख लें कि इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पूरा एक कंप्लीट रिप्रोडक्शन होने में कितने स्टेप्स लगते हैं या कौन कौन से प्रोसेस आते हैं उसके बारे में। तो देखिए, जब मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी भी कि इंसान की ज़िंदगी का दो ही पर्पस होता है, फीडिंग और ब्रीडिंग। वो कुछ भी कर ले, घूम फिर के उसको यही दो काम करने हैं, फीडिंग करना है, मतलब खाना है जीने के लिए, और जीना है अपनी ही प्रोजिनी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारी लाइफ का पूरा पर्पस है अपनी प्रोजिनी को कंटिन्यू करना या अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करना, ठीक है। और जनरेशन को कंटिन्यू करना मतलब रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के लिए हमें ज़िंदा रहना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए हमें खाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो जो एक बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के दो ही पर्पस हैं, फीडिंग ब्रीडिंग, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें इवोल्यूशन में देखेंगे, इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी। इवेंट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह दें ना कि रिप्रोडक्शन, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं।
पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए, या फिर वी कैन से स्पर्म होना चाहिए, ओवम होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहली चीज़ होती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस में तो आपको पता है ये दोनों पढ़ेंगे हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ेंगे और ऊजेनेसिस भी पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, ऊजेनेसिस का मतलब ओवम का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस तो हो गया, मेल में स्पर्म बन गया, और ये स्पर्म जाना कहाँ होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, या हम कह दें कि ओवम के पास। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं इनसेमिनेशन। क्या कहते हैं, इनसेमिनेशन, ठीक है। ये अगली स्टेप, तो पहली चीज क्या है, गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन को आप कह सकते हैं रिलीज ऑफ सीमेन बाय मेल इनसाइड फीमेल जेनिटालिया, फीमेल के जेनिटालिया या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मेल के द्वारा सीमेन रिलीज करने को इनसेमिनेशन कहते हैं। तो इजैकुलेशन क्या होता है, इजैकुलेशन भी हम आगे देखेंगे, इनसेमिनेशन, इजैकुलेशन और सेमिनेशन, ठीक है, या इमिशन, बहुत सारे से टर्म आएंगे, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे, बस आपको ध्यान से समझना है। तो मैंने क्या बताया, इनसेमिनेशन हो गया, ठीक। थर्ड चीज़ क्या होती है, फॉर अब इनसेमिनेशन हुआ, सीमेन रिलीज हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगली चीज़ क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन को हम और क्या कहते हैं, सिनगैमी। इसका मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बताइए, नेक्स्ट क्या स्टेप आती है, द मोस्ट एंड आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो गया भाई, यही है हमारी जिंदगी की शुरुआत, है ना, हमारी लाइफ का सबसे पहला अस्तित्व जिसको हम कह सकते हैं, हम जाइगोट, सबसे पहले हम जाइगोट थे और उसके बाद फिर हम इतने बड़े हुए हैं, ठीक है। तो जाइगोट हो गया, और जाइगोट के बाद क्या होता है, क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस, वॉट एवर द प्रोसेस, आई होप कि ये पांचवा प्रोसेस है। तो पांचवें प्रोसेस में क्या होता है, दैट इज द इम्प्लांटेशन। देखिए, अब मैं उसको मोटे मोटे तौर पे लिख रही हूँ, बाकी आप देखिए, इम्पॉर्टेंट, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस। जैसे फर्टिलाइजेशन जब हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मारूला स्टेज, फिर ब्लास्टुला, ब्लास्टुला स्टेज में हम देखेंगे कि जो ह्यूमन का ब्लास्टुला होता है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाके अटैच हो जाता है, अगर ब्लास्टोसिस्ट मदर के यूटरस से अटैच हो गया, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, ये मदर का यूटरस है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में हुआ है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो गया है, फैलोपियन ट्यूब में हुआ है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में हो गया, सपोज करिए कि यहाँ पे फर्टिलाइजर, ये ओवम है, ये स्पर्म है, दोनों का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद ये टू सेल, फोर सेल, फिर एट सेल, 16 सेल के स्टेज तक को हम लोग मोरूला कहते हैं, और फिर वो ब्लास्टुला में चेंज हो जाता है, किसमें, ब्लास्टुला में, और जैसे जैसे ये चेंज होता रहता है, यहाँ से यहाँ तक खिसकता चला जाता है, ठीक है। और लगभग फर्टिलाइजेशन के लगभग एक हफ्ते बाद,
सेवन डेज के बाद, ठीक है ना, सेवन डेज के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका होता है, मतलब ब्लास्टूला बन चुका होता है। तो ब्लास्टूला में जो स्टेज आएगी मैं आगे आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बताऊंगी, ह्यूमन ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट आके अल्टीमेटली इस मदर की, मदर के एंडोमेट्रियम से आके यहाँ पे ये अटैच हो गया। जब ये मदर की एंडोमेट्रियम से अटैच हो गया, नाउ दिस इज दिस टर्म एज इम्प्लांटेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन हो गया, और जिस दिन इम्प्लांटेशन हो जाएगा तब हम कहेंगे कि जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है या प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह जब होता है तो ये लगभग फर्टिलाइजेशन के, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसके सेवन डेज के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन अगर हो जाता है, मैं ये चीज़ें आगे आपको बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या बताया मैंने आपको, इम्प्लांटेशन हो गया, तो अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेज जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जेस्टेशन पीरियड। और जेस्टेशन पीरियड में बहुत सारे स्टेजेस आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। और जेस्टेशन पीरियड का मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड। और फिर उसके बाद लास्ट में सबसे जो लास्ट वाली प्रोसेस है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, ओके। तो ये सारे के सारे स्टेजेस हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जो इवेंट्स हैं उसके क्या क्या सीक्वेंस हैं, तो इसको देख लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन पीरियड और फिर पार्चुरेशन। इतनी सारे स्टेप्स हम लोगों को पढ़ने हैं, और मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसको देखते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग मैं डिस्कस कर रही हूँ, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी मैं इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ या तीन तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और तीसरा इसी कलर से मैं बना दूँ एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, ओके। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल में भी बहुत सारी मतलब ग्लैंड्स होती हैं जो कि वेजाइना के पास और यूरेथ्रा के पास होती हैं, लेकिन उनको हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्यों काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ड्यूरिंग वी कैन से कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो फर्टिलाइजेशन के लिए सीमेन चाहिए या स्पर्म चाहिए। तो मेल में ये जो एक्सेसरी ग्लैंड है वही स्पर्म का क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, या सीमेन, सीमेन वही कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन फीमेल के जो एक्सेसरी ग्लैंड है या जो फीमेल में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, दैट ग्लैंड इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना, और यू कैन से कि जो ग्लैंड होती है दैट उसका सिक्रीशन फीमेल इजेकुलेशन के दौरान होता है, तो वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करता है। रिप्रोडक्शन का मतलब फर्टिलाइजेशन हो या फिर यू कैन से कि गैमेटोजेनेसिस हो, ये सारी चीज़ें, तो फीमेल का जो ग्लैंड है ना, जिसका उसका जो सिक्रीशन है वो फर्टिलाइजेशन में उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उसके उसके सिक्रीशंस को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। लेकिन मेल का जो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड है जिसमें हम सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, वही तो सीमेन बनाते हैं, सीमेन का सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं।
ठीक है, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। फीमेल केवल ओवम कंट्रीब्यूट करती है या सेकेंडरी ओसाइट कंट्रीब्यूट करती है, बाकी जो फीमेल में सेक्सुअल स्टिमुलेशन या फिर सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान जो फ्लूइड रिलीज होता है वो दैट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ लुब्रिकेशन, या फिर यू कैन से कि जो फीमेल ऑर्गेज़म के दौरान जो फ्लूइड रिलीज होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज मेल गोनैड, और मेल गोनैड्स को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द टेस्टिस। ठीक, आगे देखेंगे इसको हम लोग। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या है, तो मेल में टेस्टिस के बाद जितनी भी चीजें आती हैं जैसे रीटे टेस्टिस, ठीक, रीटे टेस्टिस के बाद वैसा इफ्रेंस, या मैं सीक्वेंस यही है, सीक्वेंस भी यही है, फिर उसके बाद क्या है, ईपीडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वासा इफ्रेंसिया है, ये वासा डिफरेंसिया है, कंफ्यूज नहीं होना, या वास डिफरेंस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट ओके, और फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अभी मैं इसको तीसरी चीज़ भी ऐड करूँगी मेल में, और उसके बाद अभी देखते हैं नेक्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से हैं। तीन ग्लैंड हैं, सेमिनल वेसिकल्स जो कि दो होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि एक होता है, कॉपर्स ग्लैंड को हम लोग BUG भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका फुल फॉर्म मैं आगे बताऊंगी, ये भी दो होते हैं BUG, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और मेल में ना एक और चीज यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, मेल में एक और चीज ऐड करना पड़ेगा, क्या, दैट इज द मेल जेनिटालिया, चौथा पार्ट भी ऐड कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, चौथा पार्ट है ये मेल जेनिटालिया क्या होता है, दैट इज द पेनिस। ओके, तो मेल में ऐसे चार पार्ट आपको याद रखने हैं, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड्स और मेल जेनिटेलिया। अब आते हैं हम फीमेल में, तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, बिल्कुल हमने बताया आपको, फीमेल गोनैड्स, और फीमेल गोनैड्स क्या है, दैट इज द ओवरीज। ठीक, ओवरीज। और उसके बाद हम देखें जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आएगा, तो देख लेते हैं इसमें, एक मिनट, इसमें भी हमें एक चीज ऐड करना पड़ेगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल जेनिटेलिया। ठीक, दिख तो रहा होगा ना, वन मिनट, कोई टेंशन नहीं। ठीक, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देख लेते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, इसका यूटरस है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब है, क्या है, फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, क्या नाम देते हैं, ओविडक्ट। आप अलग अलग पेजेस पे बना सकते हैं, मेल एक जगह लिख लीजिए, फीमेल एक जगह, मुझे तो बस एक जगह बताना था तो मैं बता दे रही हूँ। और उसके बाद सर्विक्स है, और यूटरस, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, ये सारी चीज़ें हैं फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और फीमेल जेनिटेलिया की अगर बात करें तो फीमेल जेनिटेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वा, फीमेल जेनिटेलिया को वल्वा कहते हैं, और इस वल्वा में भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे इसमें पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे ये सारी चीज़ें, मॉन्स प्यूबिस के बाद लेबिया मेजोरा या लेबिया मेजस, लेबिया माइनोरा या लेबिया माइनर, और क्लाइटोरिस, ठीक है,
वेस्टिब्यूल, और इसमें मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, अरे यार यार एक मिनट, वेस्टिब्यूल हो गया। वेस्टिब्यूल के अलावा हम यहाँ पे लिख दें हाइमेन, और क्या है, दैट इज़ द वेजाइना, ओके, या वेजाइनल ओरिफाइस, वेजाइनल ओरिफाइस, ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लिख सकते हैं, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ब्रेस्ट भी आएगा, ठीक है ना, मतलब कुल मिला के जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी ऑर्गन्स प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे। तो फीमेल में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, मतलब आगे जो रिप्रोडक्शन बेबी को सपोर्ट करने के लिए मेमरी ग्लैंड का भी रोल है, तो इसलिए हम इसको ब्रेस्ट भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये पूरा का पूरा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने लिखा है, एज इट इज़ आप यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड और मेल जेनिटेलिया। इसी तरीके से फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल जेनिटेलिया, ओके। अब आगे चलते हैं, अच्छा मेल में मैंने क्या क्या लिखा है, रेटे टेस्टिस, वाजा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वाज डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, और उसके बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कह सकते हैं शायद, इसको लिख लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट 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 देखते हैं, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आएगा, टेस्टिस, ठीक, टेस्टिस। तो सबसे पहली चीज़, तो टेस्टिस क्या होता है, ओवल शेप का होता है, ठीक है, ओवल शेप्ड इसकी बात करें, और टेस्टिस एक्चुअली में कहाँ होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ठीक है, लेकिन टेस्टिस होता कहाँ है, इनसाइड स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। तो पहले हम डायग्राम से देख लें, डायग्राम से देख लेते हैं। तो पहले चलिए एक चीज समझाती हूँ आपको, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब है एब्डोमेन से बाहर, तो मेल में टेस्टिस तो एब्डोमेन से बाहर ही होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, लेकिन ये क्या हमेशा से एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, नहीं, जब बेबी 7 मंथ का होता है मदर के यूटरस में या मदर के वूम में, तो उस वक्त उसका टेस्टिस जो होता है ना वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, किडनी के आसपास होता है उसका टेस्टिस। और 7 मंथ के बाद, अब मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, सपोज करिए कि ये बेबी है और ये इसका एब्डोमेन है, ठीक है, ये सपोज करिए, स्क्रोटम तो रहता ही है। अब ये बेबी है, सपोज करिए ये बेबी अपनी मदर के यूटरस में इस वक्त प्रेजेंट है, और ये बेबी का स्क्रोटम बन चुका है, क्या बन चुका है, स्क्रोटम, स्क्रोटम तो है ही जिसमें टेस्टिस होता है, लेकिन अभी टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ, यहाँ, यहाँ टेस्टिस प्रेजेंट है, तो ये क्या है, अभी टेस्टिस प्रेजेंट है भैया, इंट्रा एब्डोमिनल, बात को ध्यान से समझिएगा, टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है, इंट्रा एब्डोमिनल है, एब्डोमिन के अंदर है। 7 मंथ के बाद, बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा, ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन,
सेवन मंथ की प्रेगनेंसी जो होती है उस दौरान जब बच्चा 7 मंथ का होता है मेल चाइल्ड, तो उस वक्त जब थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट होता है, तो टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ये टेस्टिस यहाँ से डिसेंड होता है, एब्डोमेन से डिसेंड होता है और आके स्क्रोटम में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये मूव करेगा और फाइनली कहाँ पे आ जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा इस तरीके से, मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो फाइनली यहाँ पर टेस्टिस आ गया। अच्छा, दोनों टेस्टिस की लोकेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दोनों टेस्टिस में एक टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर, एक थोड़ा सा नीचे हो सकता है। जनरली लेफ्ट टेस्टिस जो होता है ना, वो नीचे होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जब दोनों लेग्स पास में हो मेल के, तो टेस्टिस शुड नॉट गेट क्रस्ट, टेस्टिस क्रस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों टेस्टिस हर हर पर्सन में दोनों ऐसा हो, और अगर ऐसा नहीं भी है तो इससे कोई सेक्सुअल डिज़ायर या फिर हार्मोन प्रोडक्शन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है मोस्ट ऑफ पर्सन में एक टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर और एक थोड़ा सा नीचे होता है, किडनी जैसे मैंने पढ़ाया था आपको। तो ये है यहाँ से टेस्टिस, ये क्या है, एब्डोमेन है। ठीक है, एब्डोमेन से टेस्टिस डिसेंड हो जाता है कहाँ पे, स्क्रोटम में। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं जिस जिस ये ट्यूब से, ये एब्डोमेन से स्क्रोटम में आता है, इस ट्यूब को कहते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या कहते हैं? इंग्विनल कैनाल। इसीलिए देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों में अगर डिलीवरी से, मतलब सॉरी, हम कहते हैं कि जो जेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ से पहले डिलीवरी हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ होता है। ठीक है, टेस्टिस पूरी तरह से डिसेंड नहीं हो पाता स्क्रोटम में, जैसे 7 मंथ में या फिर 8 मंथ में या 8 एंड हाफ मंथ में बहुत सारी डिलीवरीज हो जाती हैं। तो उसमें बच्चे में सबसे पहले डॉक्टर यही चेक करते हैं कि इनका टेस्टिस डिसेंड हुआ है कि नहीं, क्योंकि टेस्टिस डिसेंड अचानक से कूद के यहाँ पे नहीं आ जाता है, इसको थोड़ा 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 धीरे 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 वक्त लगता है और फिर उसके बाद यहाँ पे आ पाता है। तो हो सकता है कि जिस वक्त बेबी की डिलीवरी प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है, उस वक्त टेस्टिस पूरी तरह से स्क्रोटम में ना आ पाए, वो कहीं इस इंग्विनल कैनाल में रह जाएगा या फिर कहीं एब्डोमेन में तो नहीं है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। ठीक है, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन टू स्क्रोटम, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन टू स्क्रॉटम इज कॉल्ड एज क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एक प्रोसेस क्या है, क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी भी, ये क्या है, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन टू स्क्रॉटम, स्क्रोटम में नहीं आ पाया टेस्टिस, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन, ऑर्चिडिक और ऑर्चिडिक का मतलब होता है, या ऑर्किडम, क्या है, ऑर्किडम ना, हाँ ऑर्किडिज्म, ऑर्किड का मतलब होता है टेस्टिस, तो हिडन टेस्टिस एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं। ठीक, तो दिस इज हाउ, कैसे ये टेस्टिस कहाँ पे होता है। लेकिन अगर मैं अब टेस्टिस की लोकेशन बताऊँ, इसको पूरे एनिमल से कंपेयर करूँ, तो देखिए ध्यान, अच्छा एक बार इसको आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए फिर। ठीक है, अब चलिए देखिए, मैं जो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिस की क्या क्या लोकेशन है, लोकेशन ऑफ टेस्टिस। तो पहली चीज़ हम बता दें कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल एब्डोमिनल टेस्टिस होता है, और कुछ एनिमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। ठीक है, अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल में भी दो केस है, ठीक, जैसे इन रैट्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं, बैट्स,
लीजर्ड्स, ठीक है, टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रॉटम ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, है ना, ठीक है। मतलब ये सब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें टेस्टिस जो है ना वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कब होता है, केवल ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जब उनको ब्रीडिंग करना होता है तो टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और क्यों स्क्रोटम का क्या रोल है वो हम अभी आगे देखेंगे। ऑन द अदर हैंड इन एलिफेंट्स एंड एक्वेटिक मैमल्स, इन एलिफेंट्स एंड एक्वेटिक मैमल्स, इन एलिफेंट एंड एक्वेटिक मैमल्स टेस्टिस ऑलवेज इंट्रा एब्डोमिनल होता है। कैसा होता है, हमेशा टेस्टिस जो है ना एब्डोमेन के अंदर ही, कभी भी ये बाहर नहीं आता, हमेशा कहाँ होता है, इंट्रा एब्डोमिनल होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अगर मैं इंट्रा एब्डोमिनल का केस यहीं पे लेके चलूं तो आप नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन नोट करके आप लिख सकते हैं, इन ह्यूमन बेबी अप टू 7 मंथ, ठीक है, 7 मंथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेस्टिस इज इंट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस कैसा होता है, इंट्रा एब्डोमिनल होता है। मोस्ट ऑफ एनिमल, चाहे वो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, और मोस्ट ऑफ मैमल्स में टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होता है, लेकिन ह्यूमन बेबी में केवल जेस्टेशन पीरियड के 7वें मंथ तक इंट्रा एब्डोमिनल होता है। बाद में इन इन्फ्लुएंस ऑफ यू कैन से टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस डिसेंट इनटू स्क्रोटल सैक विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल। ओके, तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में क्या लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में लिख सकते हैं, आफ्टर 7th मंथ, ठीक है, टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक या फिर स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल इन इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये है, इस तरीके से आप टेस्टिस की लोकेशन समझ सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे चलते। हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ था, क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। देखिए कई सारे टर्म मैं लिखूँगी, एक तो है क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म, ऑर्चिडिज्म, और दूसरा है इसी को करेक्ट करने वाला आर्किडोप्लेक्सी, आर्किडोप्लेक्सी, ठीक है, और तीसरा है सिनोर्चिडिज्म, सिनोर्चिडिज्म, दूसरा है
मोनोऑर्चिडिज्म और ऑर्चिडिज्म और पॉलीऑर्चिडिज्म, पॉलीऑर्चिडिज्म। नेक्स्ट है ऑर्चिडाइटिस, और उसके बाद हाँ इतने टर्मिनोलॉजी हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म का मतलब होता है फेलियर ऑफ, कभी टेस्टिस जो है ना, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट इनटू स्क्रोटम, स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आ पाता, तो इसको हम क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म कहते हैं। आर्चिडोप्लेक्सी क्या है, इसी को ना करेक्ट करने की सर्जरी, एक तरीके की सर्जरी होती है जिसमें टेस्टिस को डिसेंड कराया जाता है स्क्रोटल सैक में। तो दिस इज द सर्जरी, ठीक है, सर्जरी टू करेक्ट क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म, क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म को करेक्ट करने के लिए जो सर्जरी करते हैं उसको आर्चिडोप्लेक्सी कहते हैं। अच्छा, सिनॉर्चिडिज्म का मतलब क्या होता है? सिनॉर्चिडिज्म का मतलब हो सकता है कि फ्यूजन ऑफ बोथ टेस्टिस, कभी कभी क्या हो गया, दोनों टेस्टिस गलती से फ्यूज हो गए, कोई हार्मोनल डिफेक्ट हो गया। तो जैसे ये टेस्टिस है तो यहाँ से दोनों जब आपस में यहाँ से आ रहे हैं, डिसेंड हो रहे हैं, तो दोनों आपस में फ्यूज हो जाए, इस कंडीशन को कहते हैं सिनॉर्चिडिज्म। ठीक, मोनोऑर्चिडिज्म का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ओनली वन टेस्टिस, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन टेस्टिस, केवल एक ही टेस्टिस अगर किसी में हो तो उसको मोनोऑर्चिडिज्म कहते हैं। और पॉलीऑर्चिडिज्म का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू टेस्टिस, कभी कभी मोर देन टू टेस्टिस, तो ये सब एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, और ऑर्किडाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, क्या कहते हैं इसको, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का जो इन्फ्लामेशन होता है उसको आर्किडाइटिस कहते हैं। कभी भी किसी भी टर्म में आपको आइटिस वर्ड लिखा आ गया, आइटिस, ठीक है, आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, कहीं भी आइटिस वर्ड लिखा आ गया तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है ये भी हम आप आगे पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई है, अब हम देख लेते हैं टेस्टिस की लोकेशन, तो हमें समझ में आ गया टेस्टिस के नंबर कितने हैं और ये कहाँ पाया जाता है, स्क्रोटम में पाया जाता है, स्क्रोटल सैक का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें देख ले। और तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको नोट करिए फिर आगे चलते। आगे आते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, सपोज करिए ये एब्डोमेन है, ये इस तरीके से स्क्रोटम है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझना है कि ये है टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस, ये स्क्रोटल सैक है, ये क्या है, स्क्रोटल सैक। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो स्क्रोटल सैक है और ये क्या है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस एक हम कह सकते हैं कि इसको स्क्रोटल सैक में फिक्स करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये स्क्रोटल सैक पे क्या रहे, फिक्स रहे। इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं गुबरनेक्यूलम, क्या नाम देते हैं, गुबरनेक्यूलम, ठीक है, दिस इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो कि टेस्टिस को स्क्रोटम से क्या करता है, फिक्स किए रहता है, इसको गुबरनेक्यूलम कहते हैं। ये वाला पार्ट हमने कह दिया कि ये वाला पार्ट क्या है, इंग्विनल कैनाल है, ठीक है, इंग्विनल कैनाल कहते हैं। और इंग्विनल कैनाल से ही क्या आता है, हमने बताया था कि टेस्टिस डिसेंड होता है। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एक टर्मिनोलॉजी है इंग्विनल हार्निया, आपने ये बात सुना होगा कि इनको इंग्विनल हार्निया हो गया है। इंग्विनल हर्निया का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कभी कभी क्योंकि ये एब्डोमेन से लगा हुआ है ना, इंग्विनल कैनाल हमारे जो हम कह सकते हैं कि मेल में एब्डोमेन से इस तरीके से जुड़ा हुआ है अंदर की तरफ। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे इंटेस्टाइन भी तो प्रेजेंट है ना, एब्डोमेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन। तो सपोज करिए कि दिस इज द इंटेस्टाइन, जस्ट इमेजिन कि ऐसे इंटेस्टाइन यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, ओके। कभी कभी क्या होता है कि ये इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इंग्विनल कैनाल में आ जाता है,
ये एक एबनॉर्मलिटी है। इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, इंग्विनल कैनाल में आ जाता है, तो पेनफुल यूरिनेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, मेल का एब्डोमेन के पास में सूजन हो जाती है, टेस्टिस के पास में या स्क्रोटम के पास में सूजन हो जाती है, इसको हम इंग्विनल हर्निया कहते हैं। अच्छा, ये क्यों हो सकता है? इंग्विनल हर्निया के बहुत सारे रीज़न है। इंग्विनल हर्निया का मतलब क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अ लूप ऑफ इंटेस्टाइन, आप लिख सकते हैं इसको प्रेजेंस ऑफ लूप ऑफ इंटेस्टाइन इन इंग्विनल कैनाल। ठीक है, इंग्विनल कैनाल में लूप ऑफ इंटेस्टाइन आ जाए तो उसको हम इंग्विनल हर्निया कहते हैं। इसको भी करेक्ट किया जाता है सर्जरी के थ्रू, लेकिन इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, इसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, पहला तो ये है कि आपने देखा होगा कि जो बहुत हैवी लिफ्टर्स होते हैं, जो बहुत मतलब हैवी सामान उठाते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो सपोर्टर्स पहना करें। सपोर्टर्स जानते हैं मार्केट में बहुत टाइट अंडरवियर के या अंडरगारमेंट्स के जैसा होता है, तो सपोर्टर्स क्या करते हैं, सपोर्टर्स उनके टेस्टिस को बहुत टाइट जकड़े रहते हैं या एब्डोमेन पोर्शन को बहुत टाइटली जकड़े रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब कोई हैवी सामान उठा रहा है तो उस वक्त एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है, और एब्डोमेन पे प्रेशर क्योंकि वो बार बार वो काम कर रहे हैं, एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो इंटेस्टाइन है ना वो जाके इंग्विनल करना इंग्विनल कैनाल में डिसेंड हो सकता है। ठीक है, इसी पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये, अच्छा इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो बहुत पुराने ज़माने में आपने या फिर कभी भी पहलवानों को देखा होगा कि वो लंगोट टाइप से पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि एक सपोर्टर का काम करता है ये। ठीक, दूसरा चीज़ ये है कि कभी किसी भी और भी हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत क्रॉनिक जो है ना कफिंग हो रही है उनको, क्रॉनिक कफिंग के दौरान क्या होता है, मतलब बहुत दिनों से खांसी वगैरह आ रही है, अगर उनको क्रॉनिक कफिंग है तो उस दौरान भी लगातार लगातार उनके एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है वो इंग्विनल कैनाल में डिसेंड हो सकता है, इसी को हम इंग्विनल हर्निया कहते हैं। वन मोर रीज़न यू कैन कोरिलेट कि जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनको बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन है या कंटिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो उस वक्त भी क्योंकि उनको फीकल मैटर पास आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करना पड़ता है, तो उस वक्त भी हो सकता है कि उनका जो इंटेस्टाइन का लूप है वो इंग्विनल कैनाल में डिसेंड हो जाए, इसको हम इंग्विनल हर्निया कहते हैं। बट इसको करेक्ट किया जा सकता है। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न है हैवी लिफ्टिंग। ठीक है, और इसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, क्रॉनिक कफिंग, क्रॉनिक कफिंग। इसके बाद थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है आपका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम आ जाते हैं स्क्रोटम के बारे में, ध्यान से समझते हैं इसको। इतनी चीज़ सबको समझ में आ रही है, अब देखिए, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ देखिए, अगर हम अगर टेस्टिस का एक डायग्राम बनाएं, ध्यान से समझिएगा, एक टेस्टिस इस तरीके से प्रेजेंट। ठीक है, ये एक टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर अभी क्या चीज़ें हैं वो मैं नहीं बता रही हूँ, टेस्टिस के जस्ट बाहर यहाँ से ऐसे एक ट्यूब निकली रहती है, और यही जो ट्यूब है ना वो आगे आके कहलाती है इस तरीके से। अगर आप टेस्टिस को इस तरीके से बाहर से देखेंगे, मतलब इसका सेक्शन कट करेंगे, तो आपको ऐसा है स्ट्रक्चर नज़र आएगा। पहले एक चीज़ समझिए कि ये है क्या, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया है स्क्रोटम, ये हो गया स्क्रोटम, तो ये है स्क्रोटम। ठीक है, मैं एक टेस्टिस बस बना रही हूँ, और स्क्रोटम से मैंने कहा था कि यहाँ पे एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि भाई टेस्टिस को स्क्रोटम में जकड़े रहता है, और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं गुबरनेक्यूलम। ओके, ये गुबरनेक्यूलम है, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम इपीडिडाइमिस कहते हैं। क्या नाम देते हैं, इपीडिडाइमिस। तो पहली चीज़ तो आप ये जान जाइएगा कि टेस्टिस के बाहर कौन सा स्ट्रक्चर, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आता है वो इपीडिडाइमिस होता है, और इपीडिडाइमिस आगे चल के ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है वास डिफरेंस। तो अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके पहले रीटे टेस्टिस और वेजा एफरेंसिया सब टेस्टिस के अंदर है,
टेस्टिस के बाहर जो पहला स्ट्रक्चर आता है वो होता है इपिडिडाइमिस। और देखिए वेसा इफ्रेंसिया ऊपर की तरफ जाते हैं, और वेसा इफ्रेंसिया ये ऊपर की तरफ जाके ये इंग्विनल कैनाल से ही ये फिर एब्डोमेन में चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो स्ट्रक्चर बताइए जो सबसे पहली बार एब्डोमेन कैविटी में जाता है। तो एब्डोमिनल कैविटी में सबसे पहली बार वास डिफरेंस जाता है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे बना दूं, ये स्ट्रक्चर तो आप सबको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बताया, ठीक है। अब चलिए ध्यान से देखिए, इसी स्ट्रक्चर को मैं दूसरे तरीके से बना रही हूं ताकि आपको सारा का सारा चीज समझ में आ जाए। ये हमारा है एब्डोमेन, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आप इसको अच्छे से समझ सकें, ओके। और मैंने यहाँ पे एक टेस्टिस बना देना है, एक टेस्टिस का ये वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा, ये इपिडिडाइमिस और इपिडिडाइमिस ऐसे ऊपर गया, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये मैं ऐसे कैनाल टाइप से बना दूँ, यही तो है ना इंग्विनल कैनाल, क्या है ये कैनाल वाली जो स्ट्रक्चर है जो कि एब्डोमेन से टेस्टिस स्क्रोटम को जोड़ रही है, ये इंग्विनल कैनाल है। तो इंग्विनल कैनाल में मैं बना दिया मैंने कि ये पहली बार जो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ चढ़ा, ठीक है, ये है वास डिफरेंस। ये कौन सा, ये अंदर चला जाएगा ना, ठीक है, वास डिफरेंस। तो चलिए ठीक है, ये इंग्विनल कैनाल है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, दिस इज द इंग्विनल कैनाल, ये क्या है इंग्विनल कैनाल है। अब देखिए ध्यान से, मैंने बस एक ही टेस्टिस बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली मैं दोनों टेस्टिस जो है ना एक सेप्टम के द्वारा सेपरेट होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक सेप्टम भी बना दे रही हूँ जिसको हम कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम। क्या कहते हैं, स्क्रोटल सेप्टम। ये कलर थोड़ा सा विजिबल नहीं होता लेकिन मैं लिख दी हूँ तो आप समझ जाइएगा, स्क्रोटल सेप्टम, क्योंकि दोनों टेस्टिस आपस में सेपरेट रहे हैं ताकि कभी किसी एक टेस्टिस में इन्फेक्शन हुआ तो दूसरे में ना पहुंच जाए, ओके, इसलिए यहाँ पे स्क्रोटल सेप्टम इसको सेपरेट किया रहता है। अब हमें तो समझ में आ गया कि जो हमारी इंग्विनल कैनाल है, ठीक है, वो क्या करती है, ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें से पहली चीज़ क्या पास हुई है, वास डिफरेंस। उसके बाद जो मैं चीज़ें बताने जा रही हूँ ना, एकदम अटेंटिव होकर सुनिएगा, इसी इंग्विनल कैनाल से टेस्टिस की जो है ना वेन्स, मतलब आर्टरी भी यहीं पे आती हैं, टेस्टिस की आर्टरी, तो सपोज करें मैंने रेड कलर से आर्टरी भी बना दिया, तो टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी भी आते हैं, टेस्टिस से ब्लड ले जाने वाले वेन्स भी यहीं से गुजरते हैं, ठीक है, वेन्स भी यहीं से गुजरते हैं, और यहाँ पे एक तरीके की मसल भी टेस्टिस को आती है और इस मसल का नाम होता है क्रिमिस्टर मसल, ठीक है, बात समझिएगा। तो ये सब मिला के देखिए, एक ही इंग्विनल, इस मतलब इंग्विनल कैनाल से एक तरफ अगर हम बात करें तो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या बताइए, पहला तो है आपका वास डिफरेंस, दूसरा है टेस्टिकुलर वेन, तीसरा है टेस्टिकुलर आर्टरी, और चौथा क्या है, दैट इज द क्रीमेस्टर मसल। और सब के सब एक स्ट्रक्चर से यहाँ पे क्या होते हैं, एक दूसरे कलर से मैं इसको बना दूँ, एक स्ट्रक्चर से ऐसे जुड़े होते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कार्ड। आप यूं समझ सकते हैं कि जब आपने एक तार देखा होगा, वायर, तो आप जब वायर के ऊपर रबर की कोटिंग लगी होती है तो रबर की कोटिंग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे उसके एक वायर्स होते हैं ना, तो वायर्स आर लाइक द, ये सारी जो जितनी भी आपको डक्ट दिख रही हैं वो वायर है, और स्पर्मेटिक कॉर्ड उसको ऊपर से लपेटे रहता है। आप सबको समझ में आ गया है स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हो गया आपका वास डिफरेंस, देखिएगा जो ऊपर जा रहा है मैं उसको ऐसे बताऊंगी, वास डिफरेंस यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, और क्या जा रहा है, तो कुछ जा नहीं रहा है यहाँ पे, और क्या है, एक मिनट, क्रिमेस्टर मसल ऊपर से आ रही होती है, और टेस्टिकुलर आर्टरी तो भाई ब्लड लेके आ रही है ना, ठीक है, लेकिन टेस्टिकुलर वेन यहाँ से जा रहा है, ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो मैंने एक टेस्टिस के बारे में आपको बता दिया, अब इन सबका रोल भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये इंग्विनल कैनाल है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को स्पर्मेटिक कॉर्ड और इंग्विनल कैनाल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, वो कहते हैं मैम समझ में नहीं आता है स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है और इंग्विनल कैनाल क्या है। तो इंग्विनल कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो हमारे एब्डोमेन में
एब्डोमेन को हमारे टेस्टिस से जोड़ती है मेल में, ये फीमेल में भी होता है इंग्विनल कैनाल, ठीक है, इसलिए फीमेल में भी इंग्विनल हार्निया हो सकता है प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान, इंग्विनल जब प्रेशर पड़ता है एब्डोमेन पे तो उस वक्त इंग्विनल हार्निया हो सकता है फीमेल में, वो हम आगे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और मेल में जो इंग्विनल कैनाल है वो एब्डोमेन से टेस्टिस स्क्रोटम को जोड़ता है, और फिर स्पर्मेटिड कॉर्ड क्या है, उसी इंग्विनल कैनाल से एक साइड से जितनी भी चीज़ें पास हो रही हैं उन सबको जोड़ के रखा हुआ है, इसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। ओके, आगे चलें, तो ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं कि स्क्रोटम के बारे में देख लें, तो स्क्रोटम समझ लेते हैं, स्क्रोटम क्या है। चलिए देखिए, स्क्रोटम या फिर इसी को हमने क्या कहा था, स्क्रोटल सैक। अब सवाल ये है कि स्क्रोटम क्या है, तो आप कहोगे कि ये एक जिसमें क्या क्या करता है, कैरी टेस्टिस। स्क्रोटम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस को कैरी करता है। अब सवाल ये है कि स्क्रोटम जो है ना, दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले मैं जो लिख रही हूँ उसको देख लीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स 2 degrees centigrade to 2.5 degrees centigrade लो टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब समझिए, एक्चुअली स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 degrees centigrade कम टेम्परेचर होना चाहिए। इसलिए नेचर का ऐसा क्रिएटिविटी है कि जो स्क्रोटम है वो बॉडी से बाहर चला गया है, स्क्रोटम बॉडी या एब्डोमेन से दूर हो गया है ताकि वहाँ पे टेस्टिस रह सके और स्क्रोटम जो है वो थर्मोरेगुलेशन का काम कर सके या फिर टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए स्क्रोटम जो है वो बॉडी से थोड़ा सा, एब्डोमेन से थोड़ा सा दूर है ताकि वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को वो फेवर कर सके। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो 2 to 2.5 degrees centigrade लो टेम्परेचर होना चाहिए उसके लिए बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में, तो स्क्रोटम का ये काम हो गया, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं एक और टॉपिक। अब आपके दिमाग में होगा कि थर्मोरेगुलेशन कैसे होता है, थर्मोरेगुलेशन इन टेस्टिस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टिस में किस तरीके का थर्मोरेगुलेशन होता है, अब मैं इसको अभी बताऊंगी, आप एकदम ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने कहा कि ये जो है ना, इसके लिए तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो स्वेट ग्लैंड, ठीक, दूसरा क्रीमेस्टर मसल, क्रीमेस्टर एंड तीसरा डार्टोस मसल। अभी मैं बताऊंगी डार्टोस मसल क्या है, पूछा जाता है, मसल के नाम भी याद रखिएगा। डेट्रोसर मसल कहाँ होता है, आप लोग सोचिए कहाँ होता है, ठीक है, डार्टोस मसल यहाँ है। और एक है पैम्पिनी फॉर्म प्लेक्सस, पैम्पनी, ये चार ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं टेस्टिस के अंदर या टेस्टिस के आसपास जो कि इसका थर्मोरेगुलेशन करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखिए पहली चीज़ तो ये है, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, ये सपोज करिए कि दिस इज़ द टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर हमने क्या बताया कि ये एक स्क्रोटल सेप्टम है, ठीक है, और इसी सेप्टम के आसपास जो है ना दोनों साइड एक मसल होती है ऐसे, इस मसल को कहते हैं डार्टोस मसल। क्या नाम देते हैं, डार्टोस मसल,
तो एक तो हो गई डार्टोस मसल, क्रिमेस्टर मसल के बारे में हमने आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बस एक टेस्टिस बना रही हूँ, दिस इज़ द वन टेस्टिस। और यहाँ से क्या है, बस ध्यान से देखिएगा, ये तो वास डिफरेंस गया है ऊपर, ठीक। और इस वास डिफरेंस के बाद अब मैं जो बात बताने वाली हूँ ना, बहुत अच्छे से समझना है। टेस्टिस के अंदर, या यू कैन से स्क्रोटम के अंदर, सपोज करिए कि ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर ना बहुत सारी स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वेट ग्लैंड। अब आप उसका रीजन मैं अभी आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये थर्मो रेगुलेशन करते हैं। तो ये स्क्रोटम हो गया, इसके अंदर बहुत सारी स्वेट ग्लैंड हैं। दूसरी चीज क्या है, बहुत अटेंटिव होकर समझना है इस बात को। यहाँ से आर्टरी आ रही है, एक और मसल है, तो मैं मसल को थोड़ा सा दूसरे कलर से बना रही हूँ। देखिए, ये सपोज करिए कि ये मैंने बना दिया क्रिमेस्टर मसल, जो कि आ रही है इंग्विनल कैनाल की हेल्प से, ठीक। दूसरी चीज़ है ना, यहाँ पे आ रही है, वन मिनट, देखिए मुझे थोड़ा सा ना चीज़ें समझाना है आपको। यहाँ पे आ रही है आर्टरी, टेस्टिस के अंदर ये आ रही है आर्टरी, तो मैंने ये बना दिया आर्टरी। आर्टरी क्या लेके आ रही है? ब्लड, ठीक है। और ये मैं लिख दे रही हूँ, ये कौन सी आर्टरी है भाई? तो ये आर्टरी है टेस्टिकुलर आर्टरी। ये भी थोड़ा सा विजिबल तो नहीं होगा रेड कलर, लेकिन आप समझिए, टेस्टिकुलर आर्टरी। अब चलिए दूसरी चीज़ देखिए, अब जो मैं बताने वाली हूँ उसको भी बहुत ध्यान से समझना है प्लीज़। यहाँ पे देख, यहाँ से वेन जा रही है ना, टेस्टिस से लेके एक वेन जा रही है। ये वेन बड़ी चलाक होती हैं, चलाक क्या मतलब वफादार हैं ये, और इनके काम देखेंगे ना तो आपको भी लगेगा वाकई में वफादार हैं ये। मैं एक ही तरफ बनाई हूँ, बस आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कौन सी वेन है? ये वेन है टेस्टिक्यूलर वेन। अच्छा, वेन बताइए, वेन ब्लड लेके जा रही हैं, ठीक है, ये ब्लड लेके जा रही हैं और ये ब्लड लेके आ रही हैं। इतनी चीज़ सबको समझ में आ रही है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब जो मैं बताने वाली हूँ वो क्या है, उसको ध्यान से देखते हैं। ये मैंने बताया, दिस इज़ द क्रिमेस्टर मसल, सीएम लिख दे रही हूँ, ठीक। आगे इसको देख लीजिएगा, क्रिमेस्टर मसल मतलब सीएम। ये तो वास डिफरेंस है, उससे मुझे मतलब नहीं है। ये जो रेड कलर का मैंने बनाया टेस्टिकुलर आर्टरी है, और ये जो बनाया है मैंने टेस्टिकुलर वेन है, लेकिन ये जो जाल लाइक स्ट्रक्चर है ना, जाल लाइक स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा नहीं वैसे ही रहने देते हैं। ये आपको कुछ जाल नहीं नजर आ रहा है, इस वेन ने आर्टरी के चारों तरफ कुछ जाल बना दिया है, जाल बना दिया है ना। इस जाल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। क्या नाम देते हैं? पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। तो एक्चुअली पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस क्या है, मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस इज द नेटवर्क ऑफ, लिख लीजिएगा, नेटवर्क ऑफ टेस्टिकुलर वेन अराउंड टेस्टिकुलर आर्टरी। ओके, सो नाउ इतनी सारी मसल्स हमें दिख रही हैं, मतलब इतने सारे स्ट्रक्चर हैं। एक तो हो गया डार्टोस मसल, दूसरा स्वेट ग्लैंड, तीसरा क्रिमेस्टर मसल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्रिमेस्टर मसल। चार ऐसे स्ट्रक्चर हैं हमारे, मतलब ह्यूमन के टेस्टिस में, जो कि यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन का काम करते हैं। अब थर्मोरेगुलेशन का काम का मतलब क्या है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, थर्मोरेगुलेशन का मतलब। तो चलिए देखते हैं इसको। पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली में क्या है कि स्पर्म बनने के लिए बॉडी का जो टेम्परेचर है, सॉरी जो टेम्परेचर चाहिए, ये वो बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए, या 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए। इसलिए टेस्टिस कहाँ होता है? एब्डोमेन के बाहर होता है, स्क्रोटल सैक में होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, इसको ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। इसके बाद होगा ये कि इसको कभी बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया, सपोज़ करिए कि बाहर ठंड ज़्यादा है। जब बाहर ठंड ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो स्क्रोटम का भी टेम्परेचर कम हो सकता है।
तो भी स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होगा तो अब उसको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है और बेचारा स्क्रोटम तो एब्डोमेन के बाहर है, तो उस वक्त ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कौन सी? क्रिमिस्टर मसल और डॉटोस मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो टेस्टिस अभी जैसे यहाँ नीचे है ना, और ये सपोज करिए कि ये इसका एब्डोमेन है, क्या है? एब्डोमेन। ये टेस्टिस ठंडियों में थोड़ा सा सिकुड़ के एब्डोमेन के पास आ जाता है, ठीक है? टेस्टिस कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में सिकुड़ के थोड़ा सा एब्डोमेन के पास आके एब्डोमेन से हीट लेना स्टार्ट कर देता है क्योंकि बाहर ठंडी बहुत ज़्यादा है। बाहर अगर ठंडी बहुत ज़्यादा है तो टेस्टिस में जो क्रिमिस्टर मसल और डार्टोस मसल हैं वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन तो एक तो हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा टेस्टिस, और ऊपर चल जाएगा तो एब्डोमेन से हीट लेना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? अगर बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उस वक्त क्या होगा, इसमें बहुत सारे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो आई एम लेवलिंग दिस इज द स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा है तो स्वेट ग्लैंड क्या होता है भाई, कूलिंग इफेक्ट लाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे टेस्टिस, इसीलिए आपने सुना होगा कि मेल्स को बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्टिस के पास जो हम कह सकते हैं स्वेटनिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? उसका रीज़न यही होता है, वहाँ पर थर्मोरेगुलेशन हो रहा है, क्योंकि अगर बाहर हीट बहुत ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा होने की वजह से ये स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो कूलिंग इफेक्ट ला सके। और हीट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी भाई स्पर्मेटोजेनेसिस तो अफेक्ट होगा ही। तीसरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। ये पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस क्या है, ये अब देखिए आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। एक्चुअली में जो आर्टरी है जो कि टेस्टिस को ब्लड लेके आ रही है, अब ब्लड तो बॉडी टेम्परेचर से आ रहा है ना, तो उस ब्लड का टेम्परेचर तो बॉडी टेम्परेचर के आसपास ही होगा। तो अगर ये ब्लड इस डायरेक्टली इसमें पहुंच गया, ठीक है ना, किसमें? टेस्टिस के अंदर, तो भाई यहाँ का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा क्योंकि जो ब्लड आ रहा है वो बॉडी टेम्परेचर से आ रहा है। इसलिए यहाँ की जो वेन्स हैं, जो ब्लड यहाँ से लेके जा रही हैं, वो तो ठंडा ब्लड लेके जा रही हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो इस जगह का जो ब्लड है उसका टेम्परेचर कम है, तो वेन्स जो ब्लड लेके जा रही हैं वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती हैं। तो इसलिए वो क्या करती हैं कि भाई उनका ब्लड ठंडा होता है और आर्टरीज वाला जो ब्लड आ रहा है वो गर्म है, तो आर्टरीज का गर्म ब्लड डायरेक्ट टेस्टिस में ना एंटर कर जाए ताकि जो है स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट ना हो जाए। इसके लिए वेन्स अपने कई सारे जो है ना जाल बिछा देती हैं किसके चारों तरफ, आर्टरीज की तरफ, और उनको थोड़ा सा ठंडा, उसके चारों तरफ जाल बिछाए रहेंगी, तो जब आर्टरीज का ब्लड ऐसे पास होगा तो वेन्स के ब्लड के कॉन्टैक्ट में, मतलब उसके सर्फेस के कॉन्टैक्ट में आने पर उनका ब्लड थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। ये है पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सारा का सारा क्या है, थर्मोरेगुलेशन इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ये क्या हो रहा है, थर्मोरेगुलेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है? अब चलें आगे चलें, तो इतनी सारी मसल के बारे में भी आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं, अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक बार इसको देख लीजिए फिर। आगे आते हैं नेक्स्ट। हाँ, मैं क्या कहने वाली थी, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में ये बात बताने वाली थी कि कल क्या हुआ था कि मुझसे गलती हो गई थी। हमने एंडोक्राइनोलॉजी का दूसरा वीडियो मैं शूट कर रही थी, एक्चुअली बहुत छोटा सा ही वीडियो था, लगभग 30 से 35 मिनट का था। तो मैंने वीडियो शूट किया ना, तो पहले तो माइक स्टार्टिंग में अच्छी चली थी, बीच में मेरी गलती है, थोड़ी सी लापरवाही है, मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगी। बीच में माइक स्टॉप हो गया। अब माइक स्टॉप हो गया तो बाद में जब मैंने इस पर, क्योंकि मैं यहाँ बार बार देखती रहती हूँ ना, मैं यहाँ पर बार बार देखती रहती हूँ कि कहीं माइक चल तो रही है ना, क्योंकि वहाँ पर सिग्नल आता है, तो हम देखना भूल गए थे और माइक डिस्चार्ज हो गया था। तो मैं पढ़ाते रही और कुछ टाइम के बाद जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे बहुत गुस्सा आया, और बाद में जब वीडियो हुआ तो लगभग 10 मिनट तक केवल वॉइस आ रही थी, उसके बाद वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको अपलोड नहीं किया। और अभी मैं क्या करूँगी कि ये
जो वीडियो है उसको आप लोग देखिएगा या फिर अपना नोट बनाइएगा, शाम तक मैं उसका दूसरा वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि पता है एक बार तो वीडियो बना रहे थे, बहुत गुस्सा आ गया था, एकदम मतलब मूड डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन गुस्सा भी खुद के ऊपर आ रहा था, क्या ही कर सकते हैं। तो अभी मैं ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, इसका नोट बनाते रहिएगा। हार्मोन में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, आप 2 से 3 पेजेस अगर आप छोड़ देंगे तो हो भी जाएगा, 3 पेज तो 3 पेज मान के चलेगा, 3 पेज आप छोड़ दीजिएगा, उसके बाद हम लोग हार्मोन का वीडियो शाम को कर लेंगे, ठीक। इतनी बात याद रखिएगा, बाकी कोई अभी इश्यूज़ नहीं होना चाहिए। मैं इसको एक मैसेज डाल दूंगी अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में, वहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। शाम तक मैं पक्का जो है ना कि इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी हार्मोन का, ठीक। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आज हो सकता है कि आपका जो सेशन लेना था मुझे शाम को वो भी मैं कर लूँ, तो देखते हैं, नेट कनेक्शन वगैरह अच्छा होना चाहिए उस वक्त, तो मैं करती हूँ, ठीक है। बाकी मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, हमने कल जब मैं वीडियो शूट कर रही थी उस वक्त कुछ इश्यूज़ की वजह से, एक्चुअली मेरा बेटा ना थोड़ा सा गिर गया था, तो उसकी रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा देर तक आ रही थी। तो है घर में लोग हैं, लेकिन वो जब थोड़ा सा भी परेशान होता है तो मामा मामा चिल्लाने लगता है, तो फिर मैं पहले तो अवॉइड करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया ऑक्सीटोसिन। तो उसके बाद फिर क्या है, मैं चली गई, वीडियो मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि बाद में वीडियो शूट करते हैं, शाम को मैंने किया लेकिन ये सारी प्रॉब्लम आ गई, मतलब कल का दिन ऐसे ही निकल गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं फिर से वीडियो शूट कर दूंगी, तब तक ये आप लोग पढ़िएगा। और मतलब थोड़ा भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कितना पेज छोड़े, 3-4 पेज छोड़ दीजिए ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही पेज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रहेगा तो आपको काम ही आएगा। हमेशा एक कोशिश किया करिए कि जब भी आप कोई भी नोट बनाते हैं तो नोट बनाते वक्त जब आपका नोट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे 1 से 2 पेज जरूर छोड़ दिया करिए, ठीक है। ये आपके एक नोट बनाने का बेस्ट तरीका होता है, 1 से 2 पेज छूटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हुआ नर्वस सिस्टम तो यहीं पे स्टार्ट कर दिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। एकदम कंजूसी नहीं करना है, कम से कम 2 पेज छोड़ देना है ताकि जब भी कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, हो सकता है मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो कुछ ऐसे एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं जो आपको ऐड करने की जरूरत पड़े, तो आप वहाँ पे ऐड कर सके, ओके। तो चलिए देखते हैं यार, मैं सब तो है ना, हाँ अभी मैं क्या बताने वाली थी, अब हम देख लेते हैं टेस्टिस की लेयर्स क्या क्या होती हैं। तो लेयर, अब हम यहाँ पे सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखते हैं, सेक्शन ऑफ टेस्टिस। एक टेस्टिस का मैं सेक्शन बता रही हूँ, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। सपोज़ करिए कि ये एक टेस्टिस है, ओके, और ये टेस्टिस है, ये स्क्रॉटम है, तो ये स्क्रॉटम है। अब जस्ट फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ये मैं बहुत सिंपल डायग्राम बनाने वाली हूँ। सबसे बाहर, टेस्टिस के सबसे बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या नाम देते हैं? ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब कोई ये कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई यहाँ पे ये मेल का पार्ट है तो यहाँ पे वेजिनेलिस कैसे आ गया। आ जाता है वेजिनेलिस जो है ना, ट्यूनिका वेजिनेलिस सबसे बाहर का पार्ट है। 1 मिनट, थोड़ा सा लेट मी। तो हमने क्या बताया कि सबसे बाहर ये टेस्टिस है, यहाँ से शुरू हुआ है। सबसे बाहर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर ऐसे आपको ना बहुत सारे फोल्डिंग्स या यू कैन से कि बहुत सारे ऐसे लोब्स नजर आएंगे टेस्टिस के अंदर। और एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 ऐसे फोल्डिंग्स नज़र आते हैं आपको। कितने फोल्डिंग्स? 250। और ये जो दूसरी, ये जो फोल्ड है ना ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया का फोल्ड है। तो दूसरी लेयर जो होती है टेस्टिस की वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो मैं वाइट कलर से बना दूँ इसको। तो दूसरी लेयर क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो पहली लेयर, दूसरी लेयर, और इसी के जस्ट नीचे मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से बना दूँ, रेड कलर से बना दूँ। इसी के नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका वस्कुलोसा। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वस्कुलोसा। तो यहाँ पे एक और लेयर है ट्यूनिका वस्क्यूलोसा, ये थर्ड लेयर है, ठीक।
और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है एक फ्लूड भरा होता है, ठीक है, ऐसे फ्लूड भरा होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। इस फ्लूड को क्या कहते हैं? हाइड्रोसील कहते हैं, ठीक। और इसके अंदर मतलब टेस्टिस और जो बाहर की लेयर है ट्यूनिका वेजिनेलिस, इसके अंदर एक फ्लूड भरा होता है, इसको वेजाइनल सीलोम कहते हैं। अब देखिएगा कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि वेजाइनल सीलोम कहाँ होता है, तो आप इसे फीमेल से रिलेट कर दें। एक्चुअली में यहाँ पे जो सीलोम प्रेजेंट होता है उसको वेजाइनल सीलोम कहते हैं, ठीक। इतनी बात पहले समझिए। अब देखते हैं कि ये जो है ना क्या है क्या है क्या है, हाँ इसके अंदर वन मिनट, हाँ इसके अंदर ऐसे आपको बहुत ऐसे क्वाइल्ड 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 वाइल्ड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। कैसे स्ट्रक्चर? क्वाइल्ड। हमने कहा कि ये जो कम से कम यहाँ पे 250 ऐसे लोब्स दिखते हैं एक टेस्टिस के अंदर, जिसको टेस्टिकल्स कहते हैं या टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। कितने? 250 दिखते हैं, और हर एक लोब के अंदर 1 से 3 ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखेंगे। 1 से 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखेंगे, और 1 से 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? तो देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो यहाँ पे एक टेस्टिस के अंदर 250 ऐसे लोब्स दिखेंगे जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और या फिर टेस्टिकल्स कहते हैं। तो हमारे हम कहते हैं कि ह्यूमन में दोनों टेस्टिस में इस तरीके से 500 लोब्यूल्स होंगे, और एक टेस्टिस के अंदर 1 से लेकर 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो इस तरीके से एक टेस्टिस में 250 से 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, और दोनों टेस्टिस में 500 से 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? नाउ अब क्या होता है कि ये सारे मिलके यहाँ पे ऐसे डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सब आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऐसे जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हैं आगे थोड़ा सा जाके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को रीटेड टेस्टिस कहते हैं। तो सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो डक्ट है वो मिलके क्या बना ली? रीटेड टेस्टिस। रीटेड टर्म लिया गया है रेटिकुलर से, रेटिकुलर का मतलब जाल है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? रीटेड टेस्टिस कहते हैं। एम आई क्लियर? नाउ ये सारे के सारे रीटेड टेस्टिस अभी सब हम कहाँ बना रहे हैं इसको हम थोड़ा सा देख लें। वन मिनट। मैं चाहती हूँ कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चीज़ें, और आप कंफ्यूज ना हो कभी, हर एक स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट है वो आपको पता होना चाहिए। अब ये रीटेड टेस्टिस से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी डक्ट ऐसे बाहर की तरफ निकलती है सारे रीटेड टेस्टिस जुड़ के, इसको हम लोग कहते हैं वासा इफरेंसिया। क्या नाम देते हैं? वासा इफरेंसिया। तो आप सीक्वेंस देखिए ना, सीक्वेंस देखना है आपको, सीक्वेंस समझना है। टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोव्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रीटेड टेस्टिस और वासा इफरेंसिया। ऐसे वासा इफरेंसिया ऐसे बाहर की तरफ डक्ट निकली होती है, और सारे के सारे वासा इफरेंसिया मैंने गलत जगह बना ही दिया भाई। यहाँ पे इस तरीके से एक स्वोलन सा स्ट्रक्चर होता है, इसमें इस तरीके से खुलते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं ईपीडिडाइमेस। तो इतनी चीज़ तो पहले सबको समझ में आनी चाहिए टेस्टिस के अंदर की, ठीक है। फिर ये ईपीडिडाइमेस ऊपर जाता है, तो ये बात सबको पता है कि ईपीडिडाइमेस जब ऊपर जाता है तो यही बना लेता है वास डिफरेंस। क्या बना लेता है? वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस ही सबसे पहले एब्डोमिनल कैविटी में चढ़ता है इंगिनल कैनाल के द्वारा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके सो इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतना आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे भी चलते हैं, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक। एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, जितना हमने अभी पढ़ लिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब यहीं पे आप ईपीडिडाइमिस जब देख रहे हैं तो ईपीडिडाइमिस में, अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर वासा डिफरेंसिया लिख दिया है मैंने, ये क्या लिख दिया है मैंने? रीटेड टेस्टिस लिख दिया है। और ये मैं थोड़ा सा यहीं पे लेबल कर दूं, ये है आपका, दिस इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स
और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक, क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। आगे चलें, आगे देखते हैं। अब जो है नेक्स्ट, इसी को हम थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं या थोड़ा सा आगे इसको समझ लेते हैं। हाँ, आते हैं यहाँ पे, देखिए हमने क्या लिखा। ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 लोब्स, ठीक है। कितना? 250 लोब्स, कॉल्ड एज, इसको यहीं पे लिख दूं, टेस्टिक्यूलर लोब्स या टेस्टिकल्स कहते हैं, ठीक। ईच लोब, आप ऐसे लिख के जाइए, ईच लोब कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 1, 2, 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म रीटे टेस्टिस। क्या बना लिया? रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस फिर किसमें ओपन होगा? वाजा इफरेंशिया में, ठीक। वाजा इफरेंशिया फिर आके किसमें खुलता है? एपिडिडाइमिस, ओके। और एपिडिडाइमिस फिर आगे जाके खुलता है वास डिफरेंस। यहीं तक मैं इसको छोड़ रही हूँ, इसको मैं आगे जब लेके जाऊंगी ना तो इसको कंप्लीट करूंगी। वास डिफरेंस आगे जाके मैं इसको कंप्लीट करूंगी। एपिडिडाइमिस में भी 3 पार्ट होता है, मैं वहीं पे अभी बता दूंगी। एक कॉर्पस कापुट कॉडा, कभी कभी पूछा जाता है कॉर्पस कैपुट कॉडा एपिडिडाइमिस के बारे में, तो अभी देख लीजिए क्या है भाई। इसका जो हेड वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे देखते हैं, ये कॉर्पस कहलाता है। इसकी जो बॉडी है वो कॉपुट कहलाती है, इसकी जो टेल है वो कॉडा एपिडिडाइमिस कहलाती है। तो कॉर्पस, ये हेड कॉर्पस, बॉडी कॉपुट, और टेल वाला जो पोर्शन है जो कि वाजा डिफरेंसिया वास डिफरेंस में जाके खुलेगा, उसको हम कॉडा कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ओके। नेक्स्ट, अब हम आते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। वास डिफरेंस तक हो गया, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब मैं एक पूरा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये है हमारा एक टेस्टिस, टेस्टिस के पास बाहर वाला पोर्शन मैं बना रही हूँ इस तरीके से, ये है वास डिफरेंस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या है बताइए? ये स्क्रोटम है, ठीक है, और ये टेस्टिस है। और टेस्टिस में जो स्क्रोटम है, मतलब स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में जो कनेक्शन है, गुबरनेक्यूलम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ना ऊपर आएगा, ये ऊपर ऐसे आया 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 और यहीं पे प्रेजेंट होती है, ये एब्डोमेन में चला गया, ठीक। किस में आ गया? एब्डोमेन के अंदर। और यहीं पे प्रेजेंट है मेल का यूरिनरी ब्लैडर। क्या? यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान से देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर का के चारों तरफ एक लूप बनाता है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से। तो मैं बस एक ही बना रही हूँ, समझना तो हमें एक ही है, मैं बस एक बना रही हूँ। ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ एक लूप बनाता है, लूप ये नीचे आता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। लूप बनाने के बाद ये नीचे आया और यहाँ पे एक स्वोलन सा स्ट्रक्चर है उसमें खुलता है, ठीक है। नहीं, स्वोलन स्ट्रक्चर नहीं, यहीं पे, हाँ, स्वोलन स्ट्रक्चर में खुला,
और यहीं पे एक ग्लैंड होती है, लीफ जैसी ग्लैंड, ठीक है। अब जब ये ग्लैंड से, इस ग्लैंड को कहते हैं, इस ग्लैंड को कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। तो एक सेमाइनल वेसिकल इधर और एक इधर। जब ये सेमाइनल वेसिकल से, ध्यान से देखिएगा, सेमाइनल वेसिकल से मिल गया ना, तो एक नई डक्ट बन गई। अब ये कौन सी डक्ट बन गई भाई? एक नई डक्ट बन गई, और इस नई डक्ट को दूसरे उससे बना दूं, इस नई डक्ट को कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या नाम देते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, एम आई क्लियर? आते हैं नीचे की तरफ, और ये है, इसको नीचे लेके आते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, ये यूरेथ्रा नीचे की तरफ। मेल में यूरेथ्रा लॉन्ग होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। मेल में यूरेथ्रा क्या है? लॉन्ग है। फिर देखिए ये आके जो है ना, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट यहाँ पे यूरेथ्रा में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? यूरेथ्रा में मिल जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही? मैं एक तरफ बना रही हूँ, दोनों समझना है। अब मेल में इसी के आसपास यूरेथ्रा, यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मैं रेड कलर से बना दूँ ये ग्लैंड, एकदम यूरेथ्रा से जहाँ पे मतलब यूरिनरी ब्लैडर से जहाँ पे यूरेथ्रा स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस ग्लैंड को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये तो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, और इजैक्यूलेटरी डक्ट जहाँ मिली उसी के आसपास एक और छोटी छोटी ग्लैंड होती है, दो ग्लैंड। इस ग्लैंड को कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक। नीचे की तरफ आइए, और उसके बाद सेमिनल वेसिकल हो गया, दोनों तरफ होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होगी, एक होगी, जबकि ये दो होगी, और सेमिनल वेसिकल भी टू इन नंबर होती है, एक इधर ओके। ये क्या है? ये यूरेथ्रा है। अभी तक तो ये यूरेथ्रा ही है, जहाँ से केवल और केवल, अभी समझिए, ऊपर से आ रही है मतलब यूरिन। जब यहाँ ये मिल जाएगी इजैक्यूलेटरी डक्ट से, यहाँ से देखिए, अब नाउ दिस इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अभी तक तो यूरेथ्रा है ये, जब यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है, तो मैं यहाँ पे लेवल कर दे रही हूँ। देखिए भाई, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। अब क्या होगा? ये होगा ये कि इसको थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, ठीक है। देखिए, ये इसका एंड पोर्शन, और यहाँ से मैं इसको दूसरे कलर से लेबल कर दूँ, तो यहाँ से ठीक है, ये हो गया पेनिस। तो मैं थोड़ा सा इसको और नीचे तक लेके आ रही हूँ, ये हो गया पेनिस, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी भी यहाँ पे पेनिस में और भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जैसे कौन से टिश्यूज़ मैं यहाँ पे बना दूँ, वन मिनट। जब हम इसको टिश्यूज़ के लेवल पे देखेंगे ना, तो ऐसे ही दिखेगा, और ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, कोई मतलब जो है ना कि हर एक पार्ट को अच्छे से समझना है। ये पूरी चीज़ें हमने बता दी आपको, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझना है। ये मैंने एक तरफ बना दिया है। अब देखिए, मैंने ये पेनिस का जो एकदम टिप होता है, वहाँ पे स्वोलेन पार्ट होता है। क्या होता है? ये स्वोलेन है ना, टिप ऑफ पेनिस, टिप ऑफ पेनिस को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, जो कि स्वोलेन होता है। और यहाँ पे लूज स्किन की फोल्डिंग होती है, मतलब हम कह सकते हैं स्किन की कुछ लूज फोल्डिंग्स होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं? फोर स्किन या प्रेप्यूस कहते हैं, ठीक। इसमें, इसी में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, इस ग्लैंड्स को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेप्यूसियल ग्लैंड, प्रेप्यूसियल ग्लैंड,
या टाइजन ग्लैंड, ओके। और ये जो ग्लैंड है ना, ये कुछ फ्लूड सिक्रीट करते हैं, वाइट कलर के कुछ फ्लूड सिक्रीट होता रहता है हमेशा, जिसको हम कहते हैं स्मेगमा। स्मेगमा एक ऑडरस फ्लूड होता है दैट प्रमोट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। इसीलिए मेल का जो पेनाइल एरिया होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेनिस से हमेशा कुछ ना कुछ फ्लूड सिक्रीट होता रहता है। और इस ये फ्लूड कहाँ से सिक्रीट होता है? फोर स्किन में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, प्रिप्यूसियल ग्लैंड या टाइजन ग्लैंड, जो कि वाइट कलर का ऑडरी हम कह सकते हैं ऑडरस फ्लूड सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मेगमा। और स्मेगमा ऐसा माना जाता है कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जैसे मोहम्मदन हैं, उनमें क्या करते हैं लोग सर्कमसिजन करवा देते हैं। ये प्रथा उनमें है कि वो पेनिस के टिप को कट करा देते हैं, ठीक है। तो ये सर्कमसिजन है। बाकी अभी इतनी चीज समझ में आ गई है। अब मैंने कहा यहां तक जब ये यूरिनरी ब्लैडर से निकला था तब तो ये यूरेथ्रा था, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर से निकलने के बाद जब, अब देखिए, अब समझिए, ये टेस्टिस है ना भाई, ये टेस्टिस है। अब जो टेस्टिस है तो टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म। तो स्पर्म केवल ये स्पर्म बना रहा है, टेस्टिस में केवल स्पर्म बनेगा, ध्यान दीजिएगा। टेस्टिस में क्या बनेगा? केवल स्पर्म। तो यहां से कोई फ्लूड उड़ नहीं जा रहा है, केवल स्पर्म ऊपर जा रहा है। और सेमिनल वेसिकल फ्लूड बनाया, 60% सीमेन का जो फ्लूड होता है वो सेमिनल वेसिकल, कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड 25% के आसपास, और कुछ कॉपर ग्लैंड। जब ये तीनों फ्लूड मिल जाते हैं कहाँ पे, इसमें, इस यूरेथ्रा के अंदर, तो यूरेथ्रा तो केवल यूरिन पास करने का काम आएगा, लेकिन यहाँ से सीमेन भी आ गया भाई, इसमें सीमेन भी यही। तो अब इस नई डक्ट को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूरिन पास करने के लिए और सीमेन पास करने के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेनिस में ना आप देखेंगे कि कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तीन इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो पेनिस की मेम्ब्रेन को इस तरीके से, देखिए पेनिस को एकदम ये यूरेथ्रा को सराउंड किए हुई है, जो यूरेथ्रा को सराउंड किए, जो व्हाइट कलर से मैंने ये मेम्ब्रेन बनाया उसको देखिए, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और जो मैंने ये पिंक कलर से बनाया है, इसको मैं इधर बना दे रही हूँ पिंक कलर वाला, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा कैवरनोसा। तो कॉर्पोरा कैवरनोसा दो है, दोनों तरफ है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम एक ही टिश्यू होता है, ठीक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, यू कैन से दिस इज वास्ट डिफरेंस। ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस आया, ये एम्पुला में खुला, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, कॉपर्स ग्लैंड, यूरिनोजेनाइटल डक्ट और ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो ये सारी चीज़ें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, हमने एक ही साइड बनाया हुआ है, दूसरी साइड से सेम ये सारे डक्ट आएंगे और ऐसे मिल जाएंगे। अभी आपको समझ में आ गया है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर, और अंदर क्या है। तो अंदर आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखेंगे, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलके रीटे टेस्टिस बनाते हैं, रीटे टेस्टिस मिलके वाजा इफरेंशिया बनाते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ से बनाया है इपीडिडाइमिस। और ये तो इपीडिडाइमिस है, मैं इसको ई से बस बना दे रही हूँ, और इपीडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, वास डिफरेंस आके मिल गया किससे, सेमिनल वेसिकल के फ्लूड से, सेमिनल वेसिकल का फ्लूड बन के अब ये नई डक्ट जो बनी है इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट आके यूरेथ्रा में जब मिल जाएगी तो इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहेंगे। और ये जो टिप है, एकदम टिप जहाँ से स्पर्म, मतलब सीमेन और यूरिन दोनों पास होता है, इस टिप को कहते हैं भाई यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस क्या पास आउट करता है? यूरेथ्रल मिएटस, तो यूरेथ्रल मिएटस क्या क्या पास करता है? ये सीमेन एज वेल एज यूरिन। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मेल में सीमेन और यूरिन पास आउट करने का रास्ता एक ही है, दैट इज द पेनिस, जबकि फीमेल में
ओवम मतलब ये हम कह सकते हैं कि वेजाइना और यूरेथ्रा अलग अलग और मतलब क्या होते हैं, अलग अलग अपर्चर होते हैं फीमेल में, जबकि मेल में यूरेथ्रा और वी कैन से जो जेनाइटल डक्ट है दोनों एक ही है, तो इसलिए उसको हम यूरिनो जेनाइटल डक्ट कह देते हैं। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, और बाकी आगे हम लोग अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैंने इसको यहाँ रख दिया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगले लेक्चर में हम आगे आपको बताएंगे भी, अगर मैं इसी को यहीं पे कंटिन्यू कर दूँ वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस को कंटिन्यू करिए, वास डिफरेंस के बाद आप इसको क्या कंटिन्यू कर सकते हैं, वास डिफरेंस जाके मिला किससे, तो मैं लिख दूं वास डिफरेंस जाके आगे चल के क्या बना लिया, इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट बनाया ना, लेकिन किससे मिला, तो वास डिफरेंस मिल गया है, मिला कैसे इसको लिखूं, वास डिफरेंस, तो यहां पे एक डक्ट है सेमिनल वेसिकल, बस यही सेमिनल वेसिकल मिली वास डिफरेंस के साथ, तो इजेकुलेटरी डक्ट हो गया। और इजेकुलेटरी डक्ट आगे जाके क्या बनाने वाला है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, है ना, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। लेकिन यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसको हम तब कहेंगे जब इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड भी मिल जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रीशन हो जाए और कॉपर्स ग्लैंड का भी सिक्रीशन हो जाए, ठीक है, किसका, कॉपर्स ग्लैंड, सीजी लिख रही हूँ, समझ जाइएगा, सीजी मतलब कॉपर्स ग्लैंड, तब ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और यूरिनोजेनाइटल डक्ट जाके किससे खुलता है, यूरेथ्रल मिएटस, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ईच टेस्टिस 250 लोब्स कॉल्ड एज टेस्टिकल्स या टेस्टिकुलर लोब, ईच लोब 1 to 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ज्वाइन टू फॉर्म रीटी टेस्टिस, वाजा एफरेंशिया और एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और ये, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ क्लिनिकल कंडीशंस भी मैंने बताया कि स्पर्म प्रोडक्शन को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि जो लोग कंटिन्यूस बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं, या फिर जो लोग बहुत ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जो कंटिन्यूस हीट के कॉन्टैक्ट में है, उनमें भी ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है या फिर स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि कंटिन्यूअस बाइक राइडिंग करने का मतलब उनके टेस्टिस कंटिन्यूअस सप्रेस रहते हैं और मसल्स हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, टेम्परेचर बढ़ता रहता है, ठीक है, और इसलिए ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए मेल्स को, क्योंकि उनका टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर आजकल के मेल्स में ऐसा देखा गया है कि ओलिगोस्पर्मिया या ओलिगोजूस्पर्मिया से सफ़र कर रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली चीज़ तो एक फैशन, जीन्स पहनना, तो जीन्स पहनने की वजह से भी बहुत सारी जो है ना टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन पे अफेक्ट पड़ रहा है, ये बात एकदम 100% फैक्ट है। तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही होनी चाहिए कि ढीले कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, बाकी बाकी हम लोग आगे और भी चीज़ें देखेंगे। तो ये देखिए, इसको हम आगे अभी बता दें, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या है, इसको एक बार देख लीजिए, सिन और चीडिज्म,
ओके सो चलिए मिलते हैं बाद में, और माइंड नहीं करिएगा आप लोग क्योंकि लेक्चर अपलोड नहीं हुआ हार्मोन वाला, उसको मुझे फिर से दोबारा से बनाना पड़ेगा। छोटा सा ही लेक्चर है बस, उसमें हमें हार्मोन का कंट्रोल जो मैकेनिज्म है उसको पढ़ना है, और उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स तो हम लोग कर ही चुके हैं, हाँ बस उसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हमें फेरोमोन्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको हम अपलोड कर देंगे शाम तक। ओके।